Hi guys, this is Abhishek. Hi guys, this is Amit. And welcome back to Krishna Views. So guys, कैसे आप लोग भी हो? You all are doing extremely well. Guys, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, उस वीडियो का नाम है नारे तकबीर अल्लाहू अकबर. तो ये जो सॉन्ग है ये काफी पॉपुलर सॉन्ग है और इस सॉन्ग पे बहुत सारे अर्तुगल के क्लिप्स बने हैं और ये वीडियो है दरलिस एडिट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं. सो इस वीडियो का पूरा नाम क्या है? नारे तकबीर अल्लाह अकबर ट्रिब्यूट टू अर्तुगल गाजी दरलिस अर्तुगल उर्दू लिरिक्स. तो आगे पढ़ लिरिक्स दरलिस एडिट 1 MP4 DLC मीडिया प्लेयर. एकदम लास्ट तक वो डॉट होता है ना, उसके आगे भी पढ़ता जा रहा है. अरे मैं है ना पब्लिक को एक एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. ये भी इन्फॉर्मेशन देते हैं हम कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हैं. HP. तो गाइस चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. वीडियो देखते हैं और नारे तकबीर जो सॉन्ग है ये मैंने पहले भी काफी बार सुना हुआ, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और एक ट्रिब्यूट है अर्तुगरल गाजी को. तो देखते हैं किस तरह की ये वीडियो बनाई गई है. चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. वी गो 1 2 3 स्टार्ट. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मेरे को ये सिंबल बड़ा कूल लगता है. इनके एम्पायर के काई ड्राइव कर काई कबीला काई इसका ट्यून बहुत सिमिलर है ना इसके थीम सॉन्ग से. घुड़सवारी कितना प्रोफेशनली कर रहे हैं. ऐसा लगा बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा था ये पूरे खेल. हाँ, मेरे को लगा कि ये जो है ना, ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो थीम सॉन्ग जो है दरलिस अर्तुगल का, ये नारे तकबीर के सॉन्ग से बहुत मिलता जुलता है. ये ट्यून मेरे को बहुत सिमिलर लगी नारे तकबीर की जो ट्यून है और जो दरलिस अर्तुगल की थीम सॉन्ग. कहीं ऐसा तो नहीं नारे तकबीर इसी का सॉन्ग है?
इसी सीरीज का ही सॉन्ग है। मेरे को भी वही लग रहा है, और मैं लिटरली खो चुका था ये जब मैं वीडियो देख रहा था, मेरे मुंह से कुछ कमेंट भी नहीं निकल रहे थे, बिकॉज मैं ना एक वीडियो में इतना खो चुका था कि मैं कुछ बोलने की मतलब बोलने के लिए बचा ही था। और मैंने एक और चीज नोटिस की कि इन वीडियो जो आर्टिकल वगैरह थे वो इतनी प्रोफेशनली घोड़ सवारी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जन्मों से। मैं तो एक बात बताता हूँ कि तुमने सुना होगा जैक स्नाइडर का नाम, एक डीसी का डायरेक्टर है, उनकी जो डायरेक्टरशिप है ना बिल्कुल जैसे उर्टुगल गाजी को डायरेक्ट किया गया है ना, जूम इन जूम आउट फोकस के जैसे किया गया है ना, वैसे बिल्कुल वो जस्टिस लीग का नाम सुना होगा, जस्टिस लीग को वैसे ही डायरेक्ट किया गया। अब इसमें पॉइंट क्या की है ना, इसको अलग इंटरनेशनल ये चीज बनाती है, हर बार हम एक्टिंग की बात तो करते परफॉर्मेंस की बात करते हैं पर एक अच्छा डायरेक्शन बिहाइंड द कैमरास क्या हो रहा है हमको नहीं पता होता, उस डायरेक्टर की कितनी मेहनत लगी है उस चीज में वो नहीं पता। तो आई थिंक मतलब 40% क्रेडिट तो डायरेक्टर को ही देना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जिसने भी ये वीडियो एडिट करी है बहुत बखूबी एडिट करी है, बहुत ज्यादा, बिकॉज जहाँ पे मतलब लिरिक्स में जैसे जैसे वर्ड्स आ रहे थे वैसा वैसा कुछ कुछ हो रहा था, जैसे अल्लाह अकबर आ रहा था तो वहाँ पे वहाँ पर मैच हो रहा था, मैच हो रहा था, लोग भी चल रहे थे अल्लाह अकबर, तो ऐसा बहुत ही अच्छा अच्छा उन्होंने ये थी आज की वीडियो। वी होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने नॉन लोगों के साथ। फिर मिलेंगे इसी तरीके की अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी गाइस, बाय।